मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में अंग्रेजों के जमाने का भगवान श्री राधा कृष्ण का मंदिर सीलमपुरा में स्थित है। यह प्रतिमा यमुना जी से प्रकट हुई है जो प्रेमलाल जी महाराज को मिली थी, जिसकी स्थापना 250 वर्ष पूर्व उनके द्वारा मंदिर में की गई थी। यह प्रतिमा पंचधातु से बनी हुई है जिसकी लंबाई 125 फीट की है। मंदिर पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात सहित वृंदावन से भी भक्त दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं। इस मंदिर पर जन्माष्टमी पर अन्नकूट का सबसे बड़ा आयोजन होता है। यह जिले की पहली राधा कृष्ण भगवान की प्रतिमा है जो यमुना जी से प्रकट हुई है। पंडित शैलेंद्र मुखिया से जब लोकल 18 की टीम ने बात की तो उन्होंने बताया कि यह मंदिर करीब 250 साल पुराना भगवान राधा कृष्ण का मंदिर है। यह प्रतिमा हमारे वंशज प्रेमलाल जी महाराज को स्नान के दौरान यमुना जी से प्रकट हुई थी। उनके द्वारा इस प्रतिमा की इस मंदिर में स्थापना कराई गई थी। यह मंदिर लकड़ी से बना हुआ है। इस प्रतिमा की खासियत यह है कि यह पंचधातु से बनी हुई है और इसकी लंबाई की यदि बात की जाए तो यह केवल 125 फीट की प्रतिमा है। यह जिले की पहली प्रतिमा है जो यमुना जी से प्रकट हुई है। इसकी स्थापना बुरहानपुर जिले में की गई है। सुबह शाम इस मंदिर पर भोग लगते हैं, आरती होती है। बड़ी संख्या में जिले के भक्त अभी भी यहां पर दर्शन पूजा करने के लिए आते हैं। कितना पुराना है, किस भगवान का मंदिर है और क्या है इस मंदिर का? श्री राधा वल्लभ लालजू मंदिर, जिनकी मुख्य शाखा श्री धाम वृंदावन है। वृंदावन में हित महाप्रभु जी के वंशज प्रेमलाल जी महाराज श्री को यमुना जी में से यह स्वरूप प्रकट हुआ था और उन्हें प्राप्त हुआ था, जो बुरहानपुर मध्य प्रदेश में आज से 200-250 साल पूर्व यहाँ विराजमान किया गया था। वसंत पंचमी तिथि पर तभी से यहाँ अष्टयाम सेवा, साध भोग, नित्य सेवा की जाती है। मंगला से शयन तक की सेवा होती है। ये कितने फीट की प्रतिमा का है? इसकी बनी हुई प्रतिमा है 125 फीट की परिक्रमा वो प्रतिमा है और ये पंच धातु से बनी हुई है। क्या क्या बड़े आयोजन होते हैं इस मंदिर में? अन्नकूट 56 भोग महाआयोजन होता है। राधा जन्म प्रागटोत्सव ये बहुत धूमधाम से यहाँ मनाया जाता है। जन्माष्टमी, खिचड़ी, मनोरथ एक माह तक यहाँ बनता है। ऐसे 12 मास में भिन्न भिन्न मनोरथ यहाँ धूमधाम से बनाए जाते हैं।